नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज फरुखाबाद इटवा विधान परिषद चुनाव को लेकर कन्नौज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में सपा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अपनी मांगे रखी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कल होने वाले चुनाव को निष्पक्ष सत्ता मुक्त कराया जाए, किसी भी तरह की सत्ता के दबाव में चुनाव सम्पन्न न हो, हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, मतदान अभिकर्ता तथा मतदाताओं को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, मतदान स्थल पर सत्ता पक्ष व विपक्ष किसी भी असरदार नेता को स्थायी रूप से रुकने न दिया जाए, मतदान स्थल से 200 मीटर दूर तक भीड़ न हो, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरह से दबाव न बनाया जाए जिसके लिए हमको सुरक्षा दी जाए, ऐसी तमाम मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी कन्नौज के पदाधिकारियों ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अपनी मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक अनिल दोहरे, गुफरान अहमद, जिशान कुरैशी, राजू यादव, नवाब सिंह यादव, राजेश पाल आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। बदल के बड़े नेताओं को दूर रखा जाए, क्या इशारा है, क्या कहना चाहते हैं? पहले कई चुनाव हो चुके, हमने देखा है, चाहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, चाहे बैंक के चुनाव रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सत्ताधारी नेता उस बूथ पर घुस जाते हैं और वहाँ बैठ के मतदान कराने का प्रयास किया और पिछली बार हुआ भी, तो उसी को रोकने के लिए हमने कहा मतदान स्थल पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मतदान को प्रभावित करे। अगर वो व्यक्ति मतदाता है तो अपना मतदान करके तुरंत बाहर आना चाहिए, ना कि वहाँ पर बैठ के मतदान को प्रभावित करे। ये हमने पॉइंट दिया है। कल विधान परिषद का चुनाव होना है, उस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नेतागण प्रशासन से मिलकर और हमारे जो मतदाता हैं, चाहे प्रधान हों, चाहे जीडीसी मेंबर हों, चाहे सभासद हों, उनको बराबर धमकाने का काम कर रहे हैं। बराबर धमका रहे हैं कि आपको खुला वोट देना पड़ेगा, अगर खुला वोट नहीं देंगे तो 5 साल की सरकार में आपको पछताना पड़ेगा, उसके इल्जाम भुगतने पड़ेंगे। तो उसी की बाबत हम लोग ज्ञापन देने आए जिलाधिकारी को और हमने कहा है कि मतदाता की सुरक्षा, हमारे मतगणना वो एजेंट होंगे बूथ पे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर और मतदाता जब वोट डाले जाए तो उसका गुप्त मतदान होना चाहिए, कहीं किसी तरह किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, मंशा के अनुरूप अगर भारतीय प्रशासन के लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में आएगा। तो हम समाजवादी पार्टी को लोग उसका जवाब देना भी जानते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आज अनुरोध करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया है जिलाधिकारी कन्नौज ने कि निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। तो हम देखेंगे, वही निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो कोई बात नहीं, अगर कहीं किसी तरह से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोग देंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।